पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस देवी के पुत्र हैं प्रकृति देवी के, और ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि तू हमारी माँ है, हम आपके पुत्र हैं। तो ये देवी भागवत महापुराण आप देखियो पढ़ के, शायद जो परमात्मा की चाहने वाली आत्मा सबके घर घर पाऊंगी। उसके तीसरे सकंद में, और कहो तो मैं आपको सुना देता हूं छोटा सा उसका प्रकरण, उसमें क्या लिख रखा है। उस गीता क्या लिखा है उसने, देवी भागवत का मैं आपको सुनाता हूं थोड़ा सा प्रकरण, क्योंकि ये 5 दिन हमने खुले मिल जाते हैं अपने परमात्मा की और शास्त्रों का बिल्कुल अच्छी तरह विवरण देने की है। उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा से नारद जी पूछता है, नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहते हैं पिताश्री नारद से जन्मे जेने, श्री देवी भागवत महापुराण है, भगवान नारद जी बता रहे हैं कि जन्मे जी पूछ रहे हैं भगवान नारद से कि हे ऋषिवर, हमने सुना है कि देवी जो है ये आदि माया महाशक्ति, इनके बारे में जानकारी दिए मुझे सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई। अब यहां विचार थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा मेरी बातों को। ये जो पुराणों में देवी भागवत महापुराण शिव पुराण ब्रह्मा पुराण विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति लिखा है, उनमें लिखा है जब कल्प के बाद सृष्टि फिर रची जाती है। कल्प कितना है, 1 ब्रह्मा का दिन ये कल्प कहलाता है, 1000 चतुर्युग। इन तीनों लोकों में ब्रह्मा, ये जो मृत लोक और स्वर्ग लोक जिसको इंद्र का लोक कहते हैं और पाताल लोक, इनके प्राणी समाप्त हो जाते हैं 1000 चतुर्युग के बाद, और 1000 चतुर्युग तक कोई उत्पत्ति इनकर नहीं होती। उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि कौन रचता है, ये जो काल भगवान है ना, गीता में कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा हाल बताओ भगवान, आपके अंदर तो ये ऋषि भी प्रवेश कर रहे हैं, आप उन्हें भी खा रहे हो जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आपके ही वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं और आप ही की कीर्तन कर रहे हैं गुणों का, आप इनको भी खा रहे हो। ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और शेरा वाली इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, या इनकी माँ और काल की पत्नी है। ये आपको शास्त्रों में बताऊंगा, शायद कबीर साहब की बात नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि कबीर साहब को हम कोई विद्वान पुरुष नहीं मानते थे, उसको मानते थे कि ऐसे ही बॉडी बूचसा है और ये कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। वो स्वयं परमात्मा थे, अपने ही शास्त्रों का आप पर ज्ञान देने के लिए, अपना भेद बताने के लिए स्वयं आए थे। वो भी शास्त्र हैं जो गीता जी एक अनमोल शास्त्र, हम कभी अस्वीकार नहीं कर सकता कोई भी प्राणी मात्र जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, इस श्रेष्ठ वेदों को कोई नकारा नहीं कर सकता। ऐसी वेदों का ज्यों का जो वर्णन जो इन देवी भागवत महापुराण में है और वेदों में और गीता जी में है, वही भगवान कबीर साहब के आज से 600 वर्ष पुराना शास्त्र है, आज का नहीं है, उसमें भी यही मिला है।
तो इन्हें सोचे आज ही उसमें फेरबदल कर दिया होगा, नहीं उसके आधार पर तो हमने इन शास्त्रों की खोज करी कि भगवान है ये, कबीर साहब ये गलत नहीं लिख सकते। और देखिए तो उनमें लिखा भी है कि नहीं, जो का तू पाया, जो भगवान कबीर साहब ने अपने कबीर सागर में और शब्दावली में और इन वाणियों में लिखा हुआ है, कबीर बीजक में लिखा हुआ है, उसके आधार पर यह मजबूर होकर हमने शास्त्रों को ढूंढना पड़ा कि समाज फिर गुमराह कैसे हुआ, ये देखना है। इसमें बताया कि जन्मेजय मैंने यही प्रश्न, नारद जी कहता मैंने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। ब्रह्मा ने कहा बेटा ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, पर मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताऊंगा, सृष्टि की उत्पत्ति बताता हूं। मैं आपको बीच में ये बताना चाहता हूं कि ये काल भगवान तीन रूप में ब्रह्म लोक में रहता है, महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव अपने ही तीन रूप बनाकर, ये काल भगवान यानी ज्योत स्वरूप निरंजन, ये स्वर्ग लोक उसमें ब्रह्म लोक में तीन रूपों में रहता है। ब्रह्म लोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां पर ये ब्रह्मा विष्णु शिव ना के उपासक ना शिव जा सकते, वहां पर एक निर्गुण उपासक साधन साधक जाते हैं जिनकी व्यवस्था न्यारी है, पूरे संत ते नाम लेकर ओम नाम का मंत्र जाप करके हजारों वर्ष समाधि लाकर हजारों वर्षों में फिर वो ब्रह्म लोक जान के योग्य बनते हैं। वहां पर ब्रह्म लोक समझो एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य का स्थान है, महाब्रह्म जो ब्रह्म लोक है उसको महास्वर्ग भी कहते हैं, उनको महाब्रह्मा भी कहते हैं। वहां रहने वाले उस तीन लोक में वे चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो यहां ही आपके सामने आएगी देवी भागवत कति क्लियर कर देगी आपके सामने कि कबीर साहब क्या बताना चाहते हैं, और देवी भागवत सभी को स्वीकार्य है, कोई नकारा नहीं कर सकता, ये अनमोल शास्त्र है। ऐसे ही गीता जी है, ऐसे ही और ऐसे ही कबीर साहब का जो सत मार्ग दर्शन आपको हो जाए तो फिर बहुत जल्दी हमें बातें समझ में आवे। उसने कहा कि नारद पुत्र बात सुन, मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊं। एक बार मैं कमल, जब ये सृष्टि रची गई मैं कमल के फूल पर था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आ गया और किस प्रकार आया, मुझे तो कमल और पानी के सिवाय कुछ नहीं दृष्टि गोचर हो रहा था। ये भगवान काल यानी ब्रह्म क्या करता है, ये वहां पर तीन रूप में महाब्रह्मा जब रजोगुण में होता है ये एक पुत्र उत्पन्न करता है रजोगुण में, वो रजोगुण प्रधान पुत्र होता है उसका, उसको ब्रह्मा की ड्यूटी देकर ब्रह्मा नाम रख कर उसको सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनाता है। और जब तक वो जवान होते हैं ये ब्रह्मा ये काल ये ब्रह्म इनको मूर्छित रखता है, बेहोश रखता है। यहां पर इससे प्रमाणित है, आप ध्यान तो सुनना इन बातों को, आप चक्कर में पड़ जाओगे, ये बातें हमने भाई शास्त्र तो हम पहले से अपने पास रखी हुई पर ये हमारे सामने आई क्यों नहीं, क्योंकि हम मौखिक बातों को ज्यादा विश्वास करते हैं और इतना शास्त्र पढ़ नहीं पाते, पढ़ते हैं तो एक भावनावश होकर के धार्मिक कोई ग्रंथ शास्त्र का पाठ्यक्रम बहुत अच्छा बताया इसको अवश्य पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम पढ़ाएंगे अब पढ़ोगे तो उन शास्त्रों को विशेष रूप से, ऐसे ही विष्णु ने बताया वो आगे प्रकरण आएगा जो बताऊंगा। तो इनको मालूम नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब ये जवान होते इतने बेहोश रखते हैं, ऐसे ही महाविष्णु के रूप में ये काल वहां ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है, वहां विष्णु उत्पन्न करता है जब ये सतोगुण में होता है, प्रकृति देवी तक अपनी पत्नी के तीन रूप बनाकर वहां रहता है। और जब ये तमोगुण में होता है जब शिव नामक पुत्र उत्पन्न करता है उसको भी बेहोश रखता है। तो ब्रह्मा बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे कमल और उस जल के सिवा कुछ दृष्टि गोचर नहीं हो रहा था। नारद इतने में आकाशवाणी होती है कि सृष्टि करो ना तप करो, तो मैंने हजार 10,000 वर्ष तक तप किया उसी कमल पर बैठकर, क्योंकि तप से क्या होता है यह बैटरी चार्ज हो जाती है,
इसमें वो काल भगवान, वो ब्रह्म परमात्मा अपनी सिद्धियां भर देता है। फिर कहा तप करो, तप की बात कहा सृष्टि करो। अब मेरे मन माया के सब जगह देखो, पानी ही पानी है, सृष्टि रचो कहां। इतना सोचकर कहते मैं उस कमल के डंठल को के नीचे आया तो मैंने कहीं उसका और छोर नहीं मिला। वापस जाके मैं कमल के ऊपर फिर बैठ जाता हूं। फिर इतने में दो राक्षस आते हैं, मधु और कैटब नाम के। उनको देखकर मैं भयभीत हो जाता हूं, एकदम डर के मारे और उस कमल के फूल के डंठल के साथ साथ एकदम नीचे गिर जाता हूं। भय में नीचे जाता हूं तो एक शेष सैया पर, शेष नाग की, नाग जो है ना बहुत लंबा चौड़ा हो, और वो एक अपनी गेंदड़ी मेंदड़ी मारकर ऐसे चक्री सी अपनी पूछड़की करके और बहुत सुंदर सटेज बन जाती है, जितनी या इतने भी लंबी, और पानी के ऊपर तैरती रहती है। वो इतना विनम्र होता है, गद्दे भी फेल सारे उसके आगे। वहां पर भगवान विष्णु कहते मैंने देखा, ब्रह्मा बतावे, मैंने देखा कि एक चतुर्भुज व्यक्ति और शेष सैया पर सो रहा है, वो मूर्छित पड़ा है क्योंकि ऐसे कालीन को बेहोश रखता है। फिर उसमें लिखा है कि कुछ देर के बाद उसमें से एक शक्ति निकली, आकाश में छागी और वहां से आकाशवाणी करी। इतने में वो विष्णु होश में आ गया। देवी महाप्राण के तीसरे स्कंद ने घर जाकर पढ़ना एक बार, कहते ना सोचो महाराज जी कबीर पंथी है, कोई झूठी सूटी अपने मारता होगा गडंग, 1% भी नहीं पाओगे झूठ, आपको पढ़ कर देगा ना। इतने में वो होश में आ जाते हैं और वो मधु कैटब भी वहां राक्षस मेरे पीछे पड़े पड़े वहां पहुंच जाते हैं। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ युद्ध किया, उससे मरे नहीं। माता ने, उस शक्ति ने अपना एक लड़की का रूप बनाया, उन दोनों को मोहित किया। वो लड़की की तरफ आकर्षित हुए तो पीछे से भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन पकड़के और गर्दन में अंगूठा देकर मारे, यानी गर्दन दबोचकर उनको फिर मारा। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो दो राक्षस मरे नहीं। उसके बाद इतने में क्या देखूं हूं, नारद के शिव भी वहीं पर आ गया, ये रुद्र, हम तीनों थे वहां और कोई नहीं था, बंधु कैटब मर चुके थे। ऊपर एक लड़की के रूप में बहुत दूरी पर एक तेजो में शक्ति बोल रही थी, आकाशवाणी सुनी थी हमने, वो कहती है कि तुम तीनों सृष्टि रचो, ब्रह्मा का काम, तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा नाम ये जीव के शरीर बनाना है, और तेरा नाम विष्णु है, और तू जो है सृष्टि और पालन पोषण के कार्य तेरा होगा। तीसरे का नाम शिव रखा और कहा कि तेरा नाम जो है शिव है और संहार तेरी ड्यूटी है, इन जीवों का मारना। हम तीनों कहते हैं हे माई, या कि पृथ्वी तो उपलब्ध है नहीं, सृष्टि रचेंगे कैसे हम। इतने में माई कहती है कि ऊपर अब इतनी देर में एक विमान आ जाता है हमारे पास, हम उस विमान में, कहती है इस विमान में चढ़ जाओ, निर्भय होकर डरियो मत। अरे तो कह ब्रह्मा विष्णु महेश के माई कहे तुम घबराओ ना और इस विमान में बैठो। वो विमान मन की गति से इतनी स्पीड से चला कि ब्रह्म लोक में पहुंच गया। वहां पर क्या देखा कि वहां एक महाब्रह्मा देखा, ब्रह्मा देखा दूसरा, ऐसे चतुर्भुज चतुरानन। हमने ब्रह्मा से, मेरे से पूछने लगे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, कहने लगे ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है, ये देवी भागवत में लिखा नहीं होगा ना। उसके बाद हमारा वहां से फिर स्पीड से विमान चला, हम जहां पहुंचे वहां पर एक विष्णु और लक्ष्मी और उपलब्ध थी। एक विष्णु लक्ष्मी माता का वहां ऐश्वर्य के साधन हमने देखे, हमने जिंदगी में कभी देखे नहीं थे। नारद इतना उसके ऐश्वर्य के साधन उसके महल में थे महालक्ष्मी के। विष्णु भगवान भी वहां आ जाते चतुर्भुज रूप में। हमने विष्णु से पूछा कि ये विष्णु दूसरा कौन है, विष्णु कहता मुझे मालूम नहीं। इतनी देर में वो विमान फिर चलता आगे, कहां पहुंचा, एक त्रिनेत्रधारी शिवजी और मिला कैलाश पर्वत पर, स्वर्ग लोक में भी उसकी
ऐसे ही उसी की नकल यहां निचले लोकों में इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए काल ने बना रखी है, इस ब्रह्म ने बना रखी है। जब वहां पहुंची तो हमने शिव से पूछा कि ये त्रिनेत्रधारी ये और शिव कौन है? वो कहता मुझे भी मालूम है ये कौन है। उसके बाद वो विमान फिर चलता है, जहां पर ये विमान नारद हमारा रुका वहां क्या देखते हैं कि एक माई बैठी है इतनी सुंदर कि उसके हर शरीर में था जैसे बिजलियां चमक रही हो, इतनी तेजों में उसका नूर था। हम तीनों को आदेश दिया कि तुम विमान से बाहर आओ और हमारे पास आओ। हम तीनों नीचे उतरे, नीचे हम उतरे जब गेट में प्रवेश करने लगे द्वार में हमारे को स्त्री बना दिया अपनी शक्ति को। हम तीनों स्त्री रूप में बहुत सुंदर लग रहे थे। जब हमने देखा उस माता के नाखून देखे जैसे दूरबीन काम करा करे ऐसे कर रहे हैं, सारे सारा ब्रह्मांड दिखे, मधु कैपिट कैटब के साथ लड़ाई दिखे विष्णु की, हम तीनों में कमल के फूल पर बैठा दिखूं और ऐसे ऐसे। तो फिर विष्णु ने कहा कि इस माई के दर्शन मैं जब छोटा सा था ना जब मुझे हुए थे। अब विचार करना भक्तजनों, कबीर साहब यही कहना चाहते हैं कि ये काल जो है ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश को इन पुण्यात्माओं को धोखे में रखा है, सच्चाई का ज्ञान नहीं होने देता। स्वयं भगवान विष्णु कहता है जब मैं छोटा सा था जब मैंने इस माँ के दर्शन किए, बालक रूप में था, यानी जब ये थोड़े से सयाने होते हैं तभी वो काल इनको बेहोश कर देता, इस माई की भी पार नहीं बसाती, क्योंकि वो गुप्त रूप में वो काल भगवान ही सारा खेल खेल है। ना कृष्ण के बस का था कि ईशान रथ करवा दे, महाभारत जैसा रथ कृष्ण नहीं करवा सकता था। कृष्ण एक पुण्य आत्मा, विष्णु सतोगुण आत्मा है, उसने मना किया था कौरव पांडव को तुम लड़ो ना नरभागो सत्यानाश हो जाएगा, और तीन बार उन शांति दूत बनकर गए थे कि भाई लड़ाई अच्छी नहीं। और भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया था कि अर्जुन और दुर्योधन इनको 5 गांव दे दे भाई, थोड़ा झंझट मिटवा दूंगा, ये लड़ाई नहीं होगी, मैं अजय अपने राज्य से दू भाई, इनकी भी थोड़ी बहुत मान रह जाएगा और 5 गांव दे दे। फिर कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, दुर्योधन नहीं मान्या, भगवान ने फैसला दे दिया कि ठीक है वे नहीं मानते लड़ो पर अच्छी बात नहीं, और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा। और वो भगवान फिर कहे कि तू लड़ ले अर्जुन, मैंने सारे मार रखे तू लड़ ले अर्जुन, ये बात दिमाग में घुसी नहीं। तब भगवान कबीर साहब ने फैसला दिया कि वो कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, उसमें वो गुप्त रूप में काल प्रवेश कर गया, वो जो बताता मैं ऐसा रूप है मेरा और मैं सबको खाता हूं, ना देव छोड़ू ना ऋषि छोड़ू। भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोली, महाभारत इसका प्रमाण देता है कि जब महाभारत समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया एक यज्ञ करके, भगवान कृष्ण कहता कि मैं अब द्वारका जाऊंगा भाई, मैं तुम्हारा तुम्हें राज मिल गया अपना राज करो। उससे पहले क्योंकि भगवान कृष्ण एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, कहा कि हमें कुछ धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा देकर जाओ, एक दिन का सत्संग करो। उसके लिए एक ऐसा लंबा चौड़ा पार्क जिसमें अच्छे फूल खिले हुए, बाग बगीचा, उसमें एक सत्संग हाल बना हुआ स्टेज जहां पर भगवान कृष्ण ने प्रवचन करने थे, वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे घूम रहे हैं जब तक संगत आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रही है। अर्जुन प्रार्थना करता भगवान आज वो गीता का ज्ञान जो आपने युद्ध में सुनाया था वो एक बार फिर सुनाना, क्योंकि मुझे फिर ज्ञान याद नहीं रहा पूर्ण रूप से, क्योंकि युद्ध करना पड़ा मुझे, कृपा वो फिर सुनाना। भगवान कृष्ण कहता है कि अर्जुन तू लगे तो है बहुत अच्छा आदमी पर निकला एक अन्य का नहीं, बेकूफ तो बड़ा श्रद्धाहीन और बुद्धिहीन लगता है मुझे, ऐसा ही महाभारत में लिख रखा है। ये मेरे पास इसमें महाभारत दो है हमारे पास, प्रथम भाग और सेकंड द्वितीय भाग उनमें लिखा है, और ये गहरी नजर गीता में हमने इसका जोका तो प्रमाण भी लिखा है, आप इसमें पढ़ोगे उस शास्त्र का आंशिक लेख एज इट इज, ताकि आपने वो शास्त्र उठाने भी ना पड़े। यही माँ देवी भागवत भी इसमें लिखा है हमने, जितना मैं आपको सुना रहा हूं इसमें इतना ही मिलेगा, और फिर नहीं यकीन हो तो उन शास्त्रों को फिर पढ़ भी लेना।
एक दो पढ़ लोगे फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपने, आपने सारे ही सत्य जोके तो मिलेंगे। एज इट इज हमने इसकी कॉपी इसमें कर रखी है, आंशिक लेख। तो उसमें क्या कहा कि अर्जुन अब मुझे, मैं वो सारी गीता जो मैंने कहा था अब मुझे याद नहीं मैंने के कहा था। अब यहां विचार करना, भगवान कहता मुझे याद ही नहीं मैंने क्या कहा था, इसका मतलब वो किसने बोला था? कृष्ण ने नहीं बोला। और अर्जुन को कहता तूने याद क्यों नहीं रखा, इतना अच्छा जो है अच्छा ज्ञान था, तूने याद क्यों नहीं रखा निर्भाग? और कहता उस समय तो मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था, परमात्म तत्व का यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी थी। क्योंकि जैसे प्रेत आत्मा एक दूसरे में प्रवेश कर जाती है, उस ओरिजिनल आत्मा जो शरीर में पहले होती है उसको मालूम ही नहीं होता कि वो प्रेत आत्मा ने क्या क्या कहा था। जब वो होश में आती है, प्रेत आत्मा निकल जाती है उसके अंदर से, ऐसे ही वो होश में आने के बाद वो सोचता मैं यहां कैसे आ गया और तुम क्यों खड़े हो मेरे आसपास। उससे बताते तू ये कह रहा था, तू ये कह रहा था, तूने ये बताया। तो कुछ दिनों उनकी सुनी सुनाई वो कहने लग जाता है कि मैंने एक दिन ऐसे बोला था, मैंने लेकिन उसने नहीं बोला था। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कहा था, सारा का सारा वर्णन उस ब्रह्म भगवान ने काल उसका परम रूप है उसने कहा। तो यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं अभी। उसके बाद तीनों कहते हैं कि तू हमारी मां है और हम आपके पुत्र हैं। जब विष्णु आपसे उत्पन्न है तो हम भी आपके बेटे हैं। जब वो मां खुश होती है, अब पुत्रों बात सुन लो, तुम जाओ और तीनों के तीनों दोनों अपनी अपनी क्रिया सुन लो, गर्मा शरीर बनाओ, विष्णु पालक शिव जी मारे, ये तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हारे अधिकार है, और जाइए। और ब्रह्मा ने एक प्रश्न किया कि हे मां, जो ब्रह्म वेद में लिखा है, वेदों में कि एक ब्रह्म शक्ति है, वो आप ही हो या कोई और पुरुष है? वो सनातन भगवान। तो वहां माता कहती है कि उसमें और मेरे में कोई अंतर मत समझना, जो वो है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वो है। और भाई एक काम करना, मेरा और उस भगवान का तुम दोनों हरदम ध्यान रखना, जब तुम्हें कोई दिक्कत आवे तुम्हारे कार्य में हमें याद कर लेना दोनों को। अब यहां विचार कर लेना भाई भक्तजनों कि जब यहां पर माता कह रही है मेरा और उस पुरुष का हमेशा ध्यान रखना, अर्थात दो हो गए, वो ब्रह्म और ये प्रकृति देवी, और इसी से ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। शिव महापुराण सुनाता हूं, शिव महापुराण में ऐसे ही लिखा है। अब यहां पर क्या है, इन शास्त्र के सरलार्थकर्ताओं ने, पुराणों के सरलार्थकर्ताओं ने क्या लिखा कि भगवान शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और फिर नौकर शिव जी की भी उत्पत्ति हुई, या कोई बात हुई। अब उन्हें समझे भी नहीं आया कि शास्त्र समझ नहीं पाए, ये शिव कौन है, ये ब्रह्म है, ये काल भगवान है जो ब्रह्म लोक में शिव और अपनी प्रकृति शेरा वाली दुर्गा का दूसरा रूप बनाकर वहां रखता है। वहां पर तीन रूप में ये पति पत्नी रूप में रहता है, और उस ब्रह्मा से उस शिव तक विष्णु और शिव की उत्पत्ति, यानी ब्रह्म से उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की हुई, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अविनाशी भगवान पूर्ण ब्रह्म तक। ये गीता का तीसरे अध्याय का 14 और 15 श्लोक आपने बताओगा, ये मेरे पास लिखा है, ये किताब जरूर लेना आप, और दूसरी पुस्तक से भी कंपेयर करना, मिलाना उसको। उन सरलार्थकर्ताओं ने क्या किया है कि 14 और 15 श्लोक का तीसरे अध्याय का कैसे किया है कि सभी जीव सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं, और कर्म जो है ब्रह्म ने लगाए, ऐसे लिखा है गीता में, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अरुण ब्रह्म का अर्थ कर दिया है वेद, इन्होंने क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं है, इस गीता जो गोरखपुर
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इन्होंने इसमें के लिख दिया कि गर्म का अर्थ वेद कर दिया। अब राजा का कोई अर्थ शब्दार्थ कोई पर्सन पेपर में आ जावे किसी बच्चे के एग्जाम में और वो कहे ब्रह्म का राजा का अर्थ लिखो, बादशाह लिख सके, प्रजापति लिख सके, भूपति लिख सके, अगर उसका अर्थ संविधान लिख दे तो वो फेल है, उस बच्चे का 0 नंबर होगा। अंडरस्टूड है सब मेरा। अगर ब्रह्म का ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है भगवान, और उन्होंने कर दिया वेद, वेद उसका संविधान है, अर्थात ये शरणार्थ टीका गलत हुआ। और लिखना था क्या कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए और ब्रह्म उत्पन्न हुआ अविनाशी परमात्मा, तो इन्होंने लिख दिया वेद उत्पन्न हुए अविनाशी परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ ही वेद कर दिया, गलत कर रखा, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं है। जिसके कारण और वही परमात्मा यज्ञों में भी प्रतिष्ठित है और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा अविनाशी भगवान करता है। यानी ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी भगवान थे, कौन से अविनाशी थे, जो इन दोनों से न्यारा है, परम अक्षर परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, उससे ही काल उत्पन्न हुआ, ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इसी का गीता के 14वें अध्याय का प्रमाण अपने मिलेगा। पहले मैं शिवपुराण का थोड़ा सा वर्णन सुनाऊ, क्योंकि ये भूमिका बनकर तब हमारा आज्ञा सत्संग सरल होगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 5 दिन लगातार सुनोगी तो आपको इतना आनंद आएगा और विवश हो जाओगे इस बात को, इस ज्ञान को दोबारा शास्त्रों को पढ़ने के लिए, और जब पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि हम ईश्वर ढूंढ ही रहे हैं और परमात्मा की तलाश है, तो एक ही वे है उसका पूजन का। गीता में ये लिखा है, अभी पहले मैं शिवपुराण सुनाऊंगा आपने। शिवपुराण में लिखा है कि महाप्रलय के समय तारे सूर्य पृथ्वी जल कुछ भी नहीं रहा, प्रधान आकाश और तेज भी शून्य हो गया, तब सत असत कुछ नहीं था। इसमें आगे लिखा कि शक्ति, जो शक्ति सदा रहती है, जो सत ज्ञान और अनंत स्वरूप परमानंद परम पुरुष है, वही सदा शिव की मूर्ति है, इसको पंडित अवर्णनीय और प्राचीन ईश्वर कहते हैं। इसने अपने शरीर से सबसन विसरने वाली कभी ना नाश होने वाली एक शक्ति प्रकट की, वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया, वही विकास रहित और बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। अब ये सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, ये शिवपुराण में लिखा नहीं होगा, नहीं जननी माया, वही शक्ति अवन का प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, तीनों देवताओं की मां, ये शिवपुराण में लिख रहा क्या है, तीनों देवताओं त्रिदेवों की माता, और ये मूल प्रकृति कही गई। अब इसको इसने आगे कैसे लिखा, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेवों की माता नित्या और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, ये शिवपुराण कति क्लियर करता प्रकृति कौन है, 8 भुजा वाली शिवपुराण में लिखा है। अब मैं ये बार बार क्यों याद दिलाऊं, क्योंकि गीता जी इस शब्द से खुलेगी प्रकृति तय, प्रकृति कौन है या शेरा वाली 8 भुजा वाली, ये शिवपुराण बताता है। बुझाएं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। अब क्या बता रहे हैं, पूर्ण लोक में रहता है और वहां पर एक न्यारा शिवलोक बना रखा है, वहां पर इसने शिव शिवा के रमण करते रहने से नारद जी उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई,
जब दोनों शेरावाणी यानी या प्रकृति देवी और यो काल भगवान शिव रूप में चार भुजा वाले में और ब्रह्म लोक में था, ये दोनों जब रहे तो इन्होंने एक और पुत्र उत्पन्न करना चाहा, ऐसा लिखा है। इस प्रकार निश्चय करके इसके दक्षिण के दसवें अंश में सुधारूप आवास का व्यापार किया। वहां इन्होंने अपना पति पत्नी कर्म से और एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब ये देखना इसमें योगा ने लिख रखा है, तेरा नाम विष्णु होगा। उस तेजो में अजय पुरुष को प्रकट होकर परमेश्वर प्रभु को प्रणाम किया उसने, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा। अब ये आपने सुन लिया, अब मैं आपको ये पता लग गया कि प्रकृति कौन है, शेरा वाली आठ भुजा की, यही देवी भागवत महापुराण बताती है और यही शिव पुराण में बताया और यही विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा है। अब मैं आगे बताऊंगा बाद में। अब चौदहवें अध्याय का गीता जी के तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक ये इसी को फिर प्रमाणित करेगा। इसमें लिखा कि अर्जुन ये प्रकृति तो मेरी पत्नी है, ये ब्रह्म बोला है काल भगवान कृष्ण के अंदर, और तब गीता हमने यानी लिखी गई वेद व्यास जी द्वारा बाद में जो कि तुम, उसमें लिखा है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी रूप में है और मैं सब जीवों का पिता हूं, मैं इसकी योनि में बीज स्थापन करता हूं, यानी इससे और ज्यादा विवरण कोई नहीं मिल सकता आपको, इससे ये सारे जीव प्राणी मात्र उत्पन्न हुए। हे अर्जुन, पांचवें श्लोक में कहता है चौदहवें अध्याय के में कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, प्रकृति शेरा वाली और तीन गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति से, शेरा वाली से और काल से यानी ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इति सिद्धम। और फिर सिद्ध क्या किया इसी श्लोक में कि अर्जुन ये तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को पार नहीं होने देते, ये बांधे रखते हैं, उलझाए रखते हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इस जीव ने उलझाए रखते हैं अपने प्रभाव से, जीव ने भक्ति और पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं होने देते, ये गीता बता रही है। अब गीता में लिखा है नौवें अध्याय का 23, 24 और 25वां श्लोक, इसमें कहा कि अर्जुन इन तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा त्याग दे और देवी देवताओं की पूजा भी त्याग दे, भूत पितरों की पूजा भी मत कर, हमारे समाज में भूत और पितरों और देवी देवता की पूजा का भरमार है और गीता में भगवान मना करे और हम उसको कर रहे हैं तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला गीता में लिखा पापी और नीच आत्मा है इति सिद्धम। ये ध्यान से सुनना, ये नहीं समझना कि मैं ही कह रहा हूं, ये भगवान के वचन आपको साधारण भाषा में गीता को बता रहा हूं साथ के साथ। जितने जो भगवान ने जो अपना मत अपना ज्ञान गीता रूप में वेदों रूप में दिया, इसको मत अनुसार साधना कहा है, शास्त्र अनुकूल साधना कहा है। गीता में लिखा है कि इन देवी देवताओं की पूजा जो करता है वो निर्भाग और नीच आत्मा है। आप गीता पढ़ के देखिए एक बार फिर, मैं वैसे प्रतिदिन आपको अध्याय वाइज भी सुनाऊंगा, आज शुरुआत है सिर्फ भूमिका बताएंगे आपको, और भूमिका के आधार पर जब आगे आप चलोगे तो सारी बात सुनने में सरलता आने लग जाएंगे। तो क्या कहा कि ये तीनों देवता जो है इसे, हाँ भगवान ने कहा कि देव पितृ पूजनीय पितृ बनेगा और भूत पूजनीय भूत बनेगा। बैठ जाओ, वे कितने नहीं जाए, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाए, बांध रखिए अच्छी तरह। कहा कि भूत पूजनीय भूत बनेगा
और पितृ पूजनिया पितृ बनेगा, और भाई देवी देवताओं को पूजने वाले उनके पास जाएंगे, उनके बंधुआ मजदूर होंगे, जैसे रईस लोगों का नौकर व्यापार है। और अर्जुन इसलिए तो मेरी भक्ति कर ले, इनको मत पूछ देवी देवता इतने नरक में ले जाएंगे। एक और प्रमाण आपको देता हूं, भगवान कृष्ण ने ब्रज के अंदर, वहां के ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे जो देवी देवताओं का मालिक है, देवी देवताओं का प्रभु है, स्वामी है, उसको सुरपति भी कहते हैं। सुरपति, सुर माने देवता, पति माने मालिक, उन देवताओं का मुखिया, स्वर्ग का राजा, उसकी भी पूजा भगवान विष्णु कृष्ण दियाना बंद करवा दी कि ये देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं देंगे, नरक ले जाऊंगे। लेकिन वो ब्रजवासी इतने डरे हुए थे कि नहीं लला, यदि हम भगवान इंद्र की कढ़ाई नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो ये वर्षा नहीं करेगा, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पशु मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। भगवान ने कहा, क्योंकि वो लोग भगवान कृष्ण को, उस समय कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानता था, ये तो उनका बाद में पता चला जब वो चले गए, ये तो तीन लोग के धनी थे, मालिक थे, उस समय के लोग तो अपने जैसा व्यक्ति, राजा, विशेष कोई बुद्धिजीवी लोग थे, परमात्मा को चाहने वाली आत्मा, वो चंद भक्तों ने उसे अवश्य उस समय विशाल भगवान माना, नहीं तो जरा सिंह शिशुपाल कंस क्यों लड़ने आते अगर उनको भगवान मान लेते और अपना कल्याण करवाते। और उस समय के लोगों ने, एक ने भी भगवान, यानी 10-20 को तो मैं कहता नहीं तो किसी ने मालिक नहीं माना, क्योंकि उसने लक्षण ऐसे किए भगवान ने, लीलाएं ऐसी की जैसे लड़कियां ना रही हैं जमुना में, उनके सारे वस्त्र उठाकर और वृक्ष पर चढ़ गए, लड़कियां ने देखा कि भाई मेरे वस्त्र कहाँ है, नी वस्त्र ना रही थी तो देखा तो वहां बंसुरी बजाई उन्होंने, सारे की गठड़ी बांध कर ऊपर बैठे लिए, तो वहां से जब देखा गया तो मनमोहन जो है वो कृष्ण हमारे वस्त्रों को चुराए बैठा है, प्रार्थना करती है कि हम नहीं वस्त्र है वस्त्र दे दो, कहता नहीं बाहर आओ नो की नो जब दो, अब यहाँ आज कोई संत या लीला कर दे एक बार, क्या उसको भगवान मान लेगा समाज, कभी नहीं। और ऐसा ही किया, जब वो पति नहीं वस्त्र होकर आई, जब उनको वस्त्र दिए, तो उस समय के लोग तो उनको लखंडर कहा करते थे, लेकिन वो भगवान थे, मालिक की लीला कोई ही जान सका है। उस समय भगवान मानते, जब मानते कि तुम कृष्ण पुजारी हो, अब तो उनके जाने के बाद वो माया है, उस समय अगर उसके संपर्क में आ जाते हुए तीन लोग का पूरा लाभ आपको दिला सकते, जितना वो दे सकते हैं, अब वो गोड़ दल के चक्कर काटने कोई लाभ नहीं होगा। अब वहां भगवान नहीं है, भगवान देवी देवता मंदिर में नहीं है, ये हमारी भूल है। और ये समझ में आ गई तो फिर भक्ति बिल्कुल आसान है, पति श्रेष्ठ है। क्या होता है, भगवान ने कहा कि तुम क्यों डरते हो नादानो, मेरे पे विश्वास करो, ये तो नौकर है भगवान का, ये कैसे निवारिश करेगा तुम्हारे कर्मों के, ज्यादा और कम ये इंद्र नहीं कर सकता, आप बंद कर दो। ज्यादा क्यों, उनकी महिमा से भी वे परिचित थे, ये चल कह रहा तो कर देते हैं। इंद्र की कढ़ाई नहीं की, इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाई, जब उन्होंने सारा क्या किया कि सब अपना दूध ले आओ अपनी गौओं का और कट्ठा भंडारा करेंगे, भगवान का कीर्तन हवन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे और फिर अपना भंडारा हम सभी खाएंगे बना करके, देवता क्या ले रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत जोर की बारिश इंद्र कर देता, घटा घोर बादल छा जाते हैं, मूसलधार बारिश हो जाती है। तो क्या करते हैं कि भगवान ने पहाड़ उठा लिया वहां का, वो गोवर्धन जिस पर गौएं चरा करती थी उसको गोवर्धन पर्वत कहते थे, वहां पर गौओं का धन बढ़ता था, वहां घास चरक है, इसलिए उसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं। भगवान ने उठा लिया और सारा इंद्र बरस लिया और ब्रज के किसी भी दीवार के चीट भी नहीं लगी, महलों के मकानों के, पर इंद्र ने हार मानी, भगवान के चरणों में आके अक्षमा याचना की और भगवान ने कहा कि तुम नादान क्यों तंग करते हो, तुम देवी देवता हो, इन बड़ी भारी आत्माओं को न इनको पार होने दोगे, तुम इनको आप भी उलझाए रखोगे। तब भगवान से अक्षमा मांग के इंद्र का,
फिर भगवान ने शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की वहां पर। अब 5500 वर्ष हो गए भगवान न गए, उसके बाद वह फिर बीमारी शुरू करके घर घर में मंदिर बनवा दिए, उन्हें मंदिर पूजा मूर्ति पूजा तीर्थ के चक्र, ये जीव के उद्धार का माध्यम और मीडिया नहीं है। अब शास्त्र इसी का प्रमाण गीता जी में लिखा, नहीं तो भगवान गीता में भी लिख देते कि मैंने वो गोवर्धन खाया ना उसके सुगुण का गुण करियो मुक्त हो जाओगी, एक लिख तो देते फिर हम मान देते बढ़िया करा भगवान ने लिख तो दिया, उनसे कहीं नहीं लिख रखा ना राम नाम का जाप बता रखा कि राम राम जपो, राम कोई जपन का नाम नहीं है, ये हमारी भूल नहीं हटती क्योंकि हम भावुक ज्यादा है और कोई करता मिल गया जय राम सीताराम हम भी मिट गए पाचे पाचे, और इसका मतलब क्या है, इससे मुक्त नहीं हो सकता राम नाम का, ना वेद में कितना राम नाम ना गीता में राम नाम, एक ओम मंत्र का जाप भगवान ने बताया। इससे न्यारा कोई संत नाम देते हैं कोई हरिओम कोई श्री ओम कोई ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत जाप है गलत मंत्र है, ओम मंत्र होगा और अभी संत से लेगा पूरे संत उस तो आदेश हो ऊपर से नाम देने का, और वो फिर विधिवत शास्त्र अनुकूल साधना बता रहा अपना हवन करो, ना पीपल पूजा ना जट की पूजा ना तुलसा की पूजा, ये जो हम ही उनके रखवाले उन तुलसा के पानी गिर और फिर उसे पूजा पीपल की पूजा ये व्यर्थ बताई है, पूजा ओम नाम की और पूरे संत से लेकर ये तो है ब्रह्म साधना, इससे ऊपर परब्रह्म साधना वो सतनाम से होगी, परब्रह्म साधना वो सतनाम से होगी और पूर्ण ब्रह्म साधना वो सार नाम का होगी। अब आपने यदि ब्रह्म साधना करनी है और स्वर्ग महास्वर्ग की आनंद लेना है जन्म मरण में रहना है तो ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी व्यर्थ बताई गीता में, गीता में लिखा है कि अर्जुन तीनों गुणों में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु सबसे उत्तम है, इसकी 14वें अध्याय का 16-18वां श्लोक पढ़ना, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें लिखा है कि अर्जुन ये तीनों गुण जीव ने फंसाए रखे हैं, जैसे रजगुण है ये ब्रह्मा उपासना है और ये कैसे हो जाता है कि इसकी साधना से जीव को ऐश्वर्य के साधन मिलने शुरू हो जाते हैं, उसमें रजोगुण प्रवान हो जाता है जैसे राजा लोग होते हैं कई कई शादियां करा लेना अच्छी फाट से फाट पोटी बना लेना रोटी सुटी ला लेना, कहते ये है रजोगुण साधक, वैसे भाई पूजा भी कर रहे हैं और बीड़ी भी पीवे और सुल्फे की भी चिलम चलम पी ले और शाम एकाधि पार त्योहार न अपने दारू दप्पा भी पी ले, ये रजोगुण साधना है, ये नरक में ले जाती है जीव को। उसके बाद कहा है कि सतगुण जो है इन तीनों से उत्तम है विष्णु की पूजा, ये भी व्यर्थ है क्योंकि इसके आधार पर कुछ दिन विष्णु लोक में जाओगे और वहां पर अपने पुनः न भोग के और फिर चौरासी में आ जाओगे और तमोगुण की उपासना सीधी नरक जाएगी, तमोगुण माने शिव उपासना, गीता में लिखा ये प्रमाण दिया साथ में, जैसे भगवान शिव की उपासना रावण ने की थी और रावण जैसी उपासना शायद ही कोई कर सके जिसने अपने दड़ भी काट के और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी, उसके प्रति फल में भगवान शिव ने उसको सोने की लंका दे दी ठाठम ठाठ कर दिए, पर तमोगुण उपासक शिव उपासक का गुस्सा नहीं जाता, अहंकार खत्म नहीं होता और ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता अंत में, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई अपनी ही माता का हरण किया यानी सीता का जो जगत जरूर थी और फिर कुत्ते वाली मौत मेरा साधना शिव की खूब करी, ऐसे गीता कहती है तमोगुण का उपासक यानी शिव उपासक सीधा ही नरक में जाएगा। अब ये बातें आपने एकदम खटकेंगी अवश्य, पर ये गीता की जो ज्ञान है ये आपना फिर नॉर्मल करेगा, जो गीता में लिखा तो सत्य है और है भी सत्य, यही भगवान कबीर साधन बताना चाहते हैं कि साधना करो तो डंकी करो, ये मनुष्य को बार बार थोड़ा मिलता, बच्चों के खिलौना बांध रखा आपने ये फिर देख लेंगे फिर कई बार अगर देखने जा सकते, तो साधना करनी है तो विधिवत करेंगे अनित इस मनुष्य का आपको कोई लाभ नहीं है, ठीक है आन उपासना आप कर भी रहे हो उनका उपासक, गीता में आपको क्योंकि गीता एक ऐसा अनुभव शास्त्र है तो जय समझ ले जीव तो कबीर साहब का ज्ञान कति आसान हो जाए। आन उपासना
अन्य दूसरे देवी देवताओं की और या माता मसाणी मंदिर, ये पूजा जो है भगवान गीता लिखा, ये तो व्यभिचारिणी बनती है। बताओ इससे मतलब हमारे को क्या जोर देकर समझाओ परमात्मा कि एक भगवान की साधना छोड़कर जो दूसरे देवी देवता और दूसरी पूजा करता है वो तो व्यभिचारिणी भक्ति जैसे जैसे पत्नी एक पति पर आश्रित न होकर दर दर धके खाती है, उसको उल्टा कहते हैं। अब मंदिर में परमात्मा हम मानते हैं पर हमारी भूल है भाई, क्योंकि हम भी मंदिर में जाता था, मैं हनुमान का पुजारी था, तो देखो न सोचा ये कबीर पंथी है इसलिए कबीर साहब के गुण गाता होगा, सब ने फेल करे ना, फेल नहीं किया जा रहा, जिसकी जितनी शक्ति है वो बताई जा रही है, यही शास्त्र बता रहे हैं, वही कबीर साहब बता रहे हैं, वही ये दास उन्हीं के आधार पर आपके सामने एक स्पीकर का काम करता हूं मैं, तो एक रिकॉर्डर सुनकर शास्त्रों को पढ़ा, उनको रिकॉर्ड किया और आपके आगे बोलो, अपनी तरफ से कोई मिक्स नहीं है इसमें। मैं पहले कबीर पंथी नहीं था, सन 1988 से मैं कबीर पंथी हुआ, उससे पहले मैं हनुमान पंथी था, कृष्ण पंथी था, कृष्ण जी की उपासना, गीता जी छोटी सी गीता अपनी जेब में रखा करता, और बढ़िया नौकरी भी थी मेरी, नौकरी भी करता था है? और हनुमान जी के 25 वर्ष 12 वर्ष लगातार मैं सालासर राजस्थान पूर्व जिले के अंदर यहाँ पर धक्के खान आया, अब पता चला वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय वो इतनी बढ़िया लगे थे क्योंकि लाखों लोग गाँव थे है? और लाइन मतलब के दर्शन होते क्या कि एक पत्थर की मूर्ति ही बूढ़ी ही जगह थी, और उसको एक सुक्का नारियल उसने गदे भी ना खाना, वो उसको भगवान को मारा करते थे, इतना लाल सा कपड़ा, वह पूजा हनुमान की, हनुमान पूजा नहीं करवाता अपनी, वो राम भक्त था, उसमें कहता था ईश्वर भजो भाई, भगवान का भजन करो, कोई भक्त अपनी पूजा करवा सकता है तो मूर्ख होगा, भगवान हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, वो तो उन्होंने कभी कहता ईश्वर रत्ना करो, और स्वयं भी राम नाम में मस्त रहते थे, अब उनकी पूजा जिसने चलाई वो कति मूर्ख होगा, इससे हनुमान नाराज होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, वो कहते हैं भगवान भजो भाई, भगवान की पूजा से ही बात बनेगी। तो वहां मैं 25-12 वर्ष गया, 25 वर्ष मंगलवार का व्रत रखा, फिर एक देखा एक कुत्ता मंगलवार को खाना नहीं खावे, रोटी डाल दी मैंने पूरी की पूरी, ऐसे एक रोटी डाल दी भाई खा लेगा भूखा होगा, उन्हें मुंह भी नहीं लगाया, मैंने पूछा मखा भाई आज ये बात, जब यू नाम मैंने ले लिया था जब जो मैं मंगलवार का व्रत नहीं रखता था और भूल भाल गया था मंगलवार में, मंगलवार में दाढ़ी भी नहीं बना करते, हम रोज बनवाया कभी आज नहीं, ड्रा रखे थे मंगलवार में, ड्रा दिमाग बड़ा नहीं हो जाती है, बालों को भी कटवा ले, जब हम परम शक्ति का आसरा ले लेंगे कोई बाधा नहीं बनती, ना वार ना कोई ग्रह हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। तो मैंने उससे पूछा, जो रिश्तेदार खाना खिला रहा था, मैंने कहा ये तुम्हारा कुत्ता रोटी नहीं खाता, क्या खिला दिया इसको आज तुमने? उसने सोचा को हुआ तो मंगलवार है ये खाना नहीं खाएगा, क्यों? कहते ये मंगलवार का व्रत रखता है, व्रत रखो, जब कुत्ते रूप में भी उसने मंगलवार याद है तो पहले उसने कितनी घोर उपासना करी है इस मंगलवार की, उपास की भगवान उपासना उपास उपवास करता करता मरिया वो, और फिर उस मंगलवार के व्रत में कुत्ता बना दिया, अब भी उसको मंगलवार याद है तो उसको इतनी चेतना है, इतनी लगन थी मंगलवार के व्रत की, हनुमान के व्रत की, जिसके परिणाम स्वरूप कुत्ता बन गया, अर्थात ये साधना व्यर्थ हो गई, वो थी पहले भी गलत थी, फिर और ज्यादा जल्द क्या रक्तराजो मार्ग ना मिलता है कुत्ते बनते मंगलवार की पूजा करते करते। अब इन बातों का अब ज्ञान होता है, क्योंकि पहले तो हम दूसरे रंग में इसे रंग रहे थे, ये कहता ना हनुमान जी की ऐसे आंध ऐसे या हम दूसरे गुण गाते थे, जो हनुमान जी की महिमा रामायण में गा रखी है उससे भी ज्यादा वो भक्त भी थे, हनुमान जी को भगवान राम के सहयोगी भी थे और बलशाली भी थे, नेक आत्मा भी थे, पर पूज्य नहीं है, पूजन के योग नहीं थे वो, क्योंकि वो नेक आत्मा थी, पूजन के योग तो केवल परमात्मा ही है, वो स्वयं कहते थे ईश्वर आराधना करो भाई, भगवान का भजन करो, और जो कोई भगत ही आप में से कोई अपनी पूजा करवाता है किसी तरह उसके साथ नीच नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता उसको, गुरुदेव ही दे सकते हैं, इसी गलते हनुमान भी नहीं कर सकते थे, विद्वान पुरुष थे, बुद्धिजीवी थे और बहुत अच्छे
निर्मल आत्मा के थे, अधीन भाव बहुत सानुमान जीवन ऐसे। तो जब इन बातों का हमें ज्ञान होता था तो 88 से मैं कबीरपंथी हुआ, और मैं ये चाहता हूं ये सभी कबीरपंथी हो जाए। पंथी का मतलब ये नहीं है कि हम कबीर साहब की मोर लगा दी, पंथ है वे ऑफ वर्थित पूजा का मार्ग, पंथ माने रास्ता, जो भगवान कबीर साहब ने रास्ता बताया उसी का प्रमाण गीता में मिला, उसी का प्रमाण वेदों में मिला। अब वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष स्वयं कबीर साहब है, सतलोक में रहते हैं। ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के द्वारा भाषा भाषे है, उनके द्वारा सरलार्थ किया है इसका हिंदी में। और ये भी ये कहते थे भगवान कोई नहीं, ना ब्रह्मा भगवान, ना विष्णु, ना शिव, ये तो भगवान के ही अन्य नाम है और कोई परमात्मा नहीं है आकार रूप में चित्त। और वही फिर वेदों का सरलार्थ लिखते हैं वो परमात्मा, हम भगवान को कबीर साहब कहते हैं मैं बंदी छोड़ हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। बंदी छोड़ किसे कहते हैं कि इस काल धर्म के लोक से जीव के बंधन काट कर इनको खत्म करके छुड़वा कर सतलोक ले जाता हूँ। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूँ, यानी बंधन काट के बंधनों का शत्रु ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहता मैं हूँ। और इसी का प्रमाण यजुर्वेद दे रहा, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक जो मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है, इसमें 136 पृष्ठ है, पढ़कर सुनाता हूँ। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप, वैसे इसकी संस्कृत में कैसे लिखा है कि उसी कबीर कबीर लिखा, कबीर इसकी संस्कृत में लिखा है उगसी कबीर अंगारसी, इनका संस्कृत बनता है। वैसे तो इसका सारे का भावार्थ अगर बनाए तो ऐसे बनता है कि वो कबीर नाम का परमात्मा वो सतधाम सतलोक में रहता है, वही बंदी छोड़ है। लेकिन इन्होंने कबीर साहब को तो मिटाना चाहा कि कबीर आज्ञा ना आ जाए, तो दुल्हा था और आकार में भगवान भी होता। इस दृष्टिकोण से इस महापुरुष ने इसका सरलार्थ किया है, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं सका। कैसे लिखा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, छोटे चनन वाले जीवों के शत्रु व कांत पर्ज्य हैं, बंधन के शत्रु, अब ये सुनना जानते हैं, बंधन के शत्रु या तारादि तंत्रों के विस्तार करने वाले बम्बारी, बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़ कहलाते हैं जो बंधनों के शत्रु बंधन काट दे, काल के बंधन हमारे ऊपर, हमें गधे बनावे, गधी बनावे, कुत्ते बनावे, कुतिया बनावे, और ये इतने प्रकार के धंध को उठा कर हमारे को यहाँ जीव रूप में बना दिया, ये काल में बना रहता है। और अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है काल ने, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु बालक, शिव जी महाराज, ये किस लिए भाई, ये समझ में ना आई। हूँ तो सुना करते थे कि तीन भगवान है भाई, एक शरीर बनाता है, एक पाला, एक मारे, यह समझ में अब आई वो क्यों पाला क्यों मारे, तो इनके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म ने काल ने 1,00,000 जीव रोज खाने होते तो श्राप लगा हुआ। अब ये समझ में आओगी जब आपको सामने आएगी कहानी, और फिर हम आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे कुछ रची भी। ये जो शास्त्रों में पुराणों में सृष्टि रचना है ये कल्प के बाद रची जाती है, और जो वास्तव में जब रची गई थी वो सृष्टि रचना हम आपको इन 5 दिनों में सुनाएंगे। बंधन के शत्रु तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले अर्थात सारे ब्रह्मांडों के बनाने वाले आप ही हो, प्रशंसनीय सेवायुक्त स्वयं शुद्ध है, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकाश प्रकाश प्रकाशमान, अच्छे प्रकार प्रकाशमान, प्रकाश तो ब्रह्मा का भी है, प्रकाश विष्णु का भी है, प्रकाश शिव का भी है, और प्रकाश इनके पिता नरेंद्र का भी। ये 16 कला के भगवान
और ब्रह्म जो है इनका पिता 1000 कला का है। जैसे एक तो 40 वाट का बाल हो बल्लभ हो और 1000 वाट का हो, उनसे अच्छा वो प्रकाश है, इनसे भी अच्छा जैसे सूर्य निकलाई। अब इन लाइटों का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं है जो 1000 वाट की दो जग रही है। तो ऐसे कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य समझो और बाकी भी काम चलाने चलाओ सरकार ये भगवान की है, ऐसा ही इसमें लिखा है। अच्छे प्रकार प्रकाशमान यानी प्रकाश तो नीचे वाले भगवानों का भी है पर वो वास्तव उसका भी विशेष रूप तेजोमय स्वरूप यानी बहुत तेज तेज भरता पूर्ण परमात्मा का वो असंख्य कला के ईश्वर है। प्रकाशमान है पदार्थों के अति सूक्ष्म, पदार्थों को अति सूक्ष्म पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे हर्षित और दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्यों को यथा योग व्यवहार में लाने वाले। और यही बात वेद बतावे यही गीता कहे, कहते हैं जैसे मैंने सुना था 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक, उसमें लिखा है कि प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ होता है शुभ कर्मों से, शुभ कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा तो तीनों लोग अविनाशी परमात्मा से और वही अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों का फल भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है, वही वेद बता रहे हैं। ये 5वें अध्याय का 35वां श्लोक, सुख जैसे होम के द्रव्यों का यथे योग विहार में लाने वाले, जो भी नियमित भगवान के जो हवन करता है उसका लाभ वो पूर्ण परमात्मा ही उनके कर्माधार पर इनसे दिलवाता है। जैसे जड़ में पानी डाले वृक्ष कर तो उस पानी और खाद की कृपा से वो टेनिया फल देंगे अर्थात अन्यथा नहीं दे सकते, ऐसे ही गीत में लिखा है यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ। सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सतधाम युक्त, रत धामा संस्कृत है, सतधाम युक्त यानी सतलोक में रहते हो, सत माने सत, धाम माने लोक, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो पूर्ण विनाशी से वही कबीर भगवान कहते हैं हम सतलोक से हम चलाए काट नियम की फांसी, हम सतलोक से आकर इस काल के बंधन को काटने के लिए हमारे ही यहाँ पर, हमारी बात सुनो और फिर ध्यान से फिर पूजा करके देखो आपको कितना लाभ मिलेगा। सतधाम युक्त है वैसे युक्त गुणों के प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों की उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम जानते हैं कि आप ही उन सभी हमारे लिए सबके लिए पूर्ण परमात्मा तुम ही पूज्य है। अब शाम को आपको सृष्टि रचना से शुरू करेंगे और सतगुरु देव सात साहि कोटि कोटि करण चरण कमल मार खियो मन मंदी जन कबीर ये तन वस की बेलरी गुरु अमर की फल